नजीब जंग के इस्तीफे के साथ ही दिल्ली के अगले लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है। नजीब जंग ने कल दिल्ली के एलजी के पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन नजीब जंग के इस्तीफे को अभी तक मंजूर नहीं किया गया है। आपको एक बार हम बता दें कि नजीब जंग के इस्तीफे के साथ ही दिल्ली के अगले लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेकर किन नामों की चर्चा हो रही है, ये हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि नजीब जंग ने कल दिल्ली के एलजी के पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन इस्तीफे को अभी मंजूर नहीं किया गया है। और थोड़ी देर पहले एलजी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई है। हमारे संवाददाता मनीष झा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या अपडेट आपके पास? अभी नजीब जंग प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर निकले, करीब 90 मिनट यानी डेढ़ घंटे तक प्रधानमंत्री कार्यालय में थे नजीब जंग। माना जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा से मुलाकात की, फिर प्रधानमंत्री से कुछ देर उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। हालांकि क्या बातें हुई है इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी हमें नहीं दी गई है, लेकिन जब वो बाहर निकले और हम लोगों ने उनसे कहा कि क्या कुछ वो बोलना चाहेंगे, तो बिना कुछ बोले नजीब जंग चले गए। बहरहाल अभी देखना होगा कि क्या आगे की गतिविधि क्या होगी, क्या नजीब जंग को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय क्या फैसला करता है। लेकिन 90 मिनट तक चूंकि नजीब जंग प्रधानमंत्री कार्यालय में रहे थे, ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि निश्चित तौर पर कुछ विशेष बातें जरूर होगी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में जो तमाम अधिकारी है उनसे उनकी बात हुई होगी, और फिर आखिरकार जब प्रधानमंत्री से मिले तो इस्तीफे का कारण नजीब जंग ने बताया होगा। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि फिलहाल कुछ दिनों तक के लिए उन्हें कार्यभार संभालने के लिए कहा जा सके। जी, आप नजर बनाए रखें, इस बारे में आगे आपसे डिटेल इनपुट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल मनीषा आपका। उधर नजीब जंग की जगह लेने के लिए जिन लोगों के नाम की चर्चा चल रही है उनमें एक नाम बीएस बस्सी का भी है। बस्सी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। नजीब जंग के अचानक इस्तीफे से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके हैरानी जताई और आज वो नजीब जंग से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे। आपको बता दें इसके अलावा अनिल बैजल का नाम भी, पूर्व गृह सचिव अनिल बैजल का नाम भी चर्चा में है। और हम आपको दो नाम बता रहे हैं जो फिलहाल इस रेस में सामने आ रहे हैं, पूर्व पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी और अनिल बैजल का नाम इसमें सामने आ रहा है। लेकिन क्या फैसला लिया जाता है इस बारे में लगातार आगे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे।